हेलो शख्स। नमस्कार। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने आई हूँ। ये कहानी है 2000 साल पुरानी। अरे वाह। ये कहानी है पैठनी साड़ी की। द क्वीन ऑफ सिल्क्स, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, द प्राइड ऑफ महाराष्ट्र। ये एक इमोशन है जो माँ अपनी बेटी को गिफ्ट करती है, सास अपनी बहू को गिफ्ट करती है। राजाएं जब जंग जीतते थे तो उनकी शान भी रहा है। आपने कांजीवरम वीव्स के बारे में सुना होगा। बिल्कुल। आपने बनारसी वीव्स के बारे में सुना होगा, लेकिन पैठनी वीव के बारे में आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। बस यही हेरिटेज वीव्स का जो हमारा ट्रेडिशन है, इनको आगे ले जाने के लिए मैं हूँ सलोनी गंभीर और मैं मनीष अत्री। हम आज यहाँ आए। ये साड़ीज का जो मार्केट है 38,000 करोड़ रुपीज का, ये मार्केट आज भी स्कैटर्ड और अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे आज भी ई कॉमर्स डोमेन में स्पेशली कोई एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि हेरिटेज साड़ीज रिवाइव करके उनको ला रहा है। तो हमने यही गैप आइडेंटिफाई किया बेसिकली, एंड वी केम अप विद द ब्रांड वेरी मच इंडियन। वेरी मच इंडियन एज द नेम सेज, द ब्रांड ब्रिंग्स द ऑथेंटिक हैंडलूम ट्रेडिशनली वोवन साड़ीज कारीगरों से सीधा कस्टमर। धीरे धीरे हमने पैठनी साड़ीज के साथ और भी कई वीव्स को रिवाइव किया है, जैसे पटेड़ा आचू, इरकल, हैंडलूम, बाद में खादी, टसर्स और भी कई। तो एक्चुअली हमारा विजन ये है कि ये ब्रांड को हम मोस्ट ट्रस्टेड ट्रेडिशनल ब्रांड ऑफ इंडिया बनाएं। आज हमारी आस्क है आपसे 50 लाख रुपीज फॉर 3% इक्विटी। सलोनी और मनीष, यस, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। आप मराठी बोलते हैं? हाँ जी। मैं प्राउड महाराष्ट्र से हूँ एंड वेरी प्राउड पुणेकर। Yeah. मी मराठी तुम्हाला सांगते की तुम्ही खूपच छान दिसताय। धन्यवाद। हा जो वेंचर आहे खूप खूप महत्वाचा आहे आपल्या देशासाठी, तर धन्यवाद। थँक यू सो मच। लेकिन आप मुझे अपनी स्टोरी बताइए की आपने इस वेंचर को क्यों चुना। मैं एक्चुअली येवला से हूँ, जहाँ 4,000 से 5,000 वीवर्स है जो सिर्फ पैठनी बनाते हैं। मैं पली बड़ी वहाँ हूँ, मेरे पेरेंट्स वहीं पर हैं, हमारा फैमिली बिजनेस भी फैब्रिक्स का रहा है, तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शंस थे और मुझे ऑलरेडी इससे प्यार था बचपन से। तो मैंने 12 साल जॉब किया इंजीनियरिंग MBA करने के बाद, और फिर मैंने ऑल ऑफ द सडन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आके कि मुझे अब ये करना है। क्विकली कहाँ जॉब किया आपने? मेरी लास्ट कंपनी MWH रही है, जहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन और मार्केटिंग में जॉब। अच्छा अच्छा। आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं और how did you come together to start this business? So I'll answer this now. हाँ जी। हम लोग 2003 में मिले, तो हम दोनों MBA IB कोर्स में थे। अच्छा। हम दोनों एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में कुछ करना चाहते थे। अच्छा। तो वहाँ से हमारी मुलाकात हुई। 2008 में we got married. और we have a teenager boy अभी। How old? 13 years. Great. मेरा मेजर रोल मॉरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों ही बहुत जरूरी हैं। जी। तो मैं बैंकर हूँ, I am क्लस्टर हेड, 10 से 12 ब्रांच मैनेजर्स मेरे को रिपोर्ट करते हैं और उनके नीचे उनकी सारी टीम। तो आपको फुल टाइम ये काम में आना है? मैं आंसर करती हूँ सर, जिस दिन मैं इसको सैलरी दे पाऊंगी उस दिन आएगा। जो पैठनी साड़ी है, थोड़ा इसके बारे में मुझे समझाएंगे की ये क्या होता है, क्या डिफरेंशिएशन है? हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे सर। चलो सलोनी, पैठनी वो जरा प्रोनाउंसिएशन इनका चेक कर दीजिए। पैठनी पैठनी पीयूष इज लाइक फ्रॉम द एपिग्लॉटस। बहुत ही सीनियर वीवर हमारे साथ है, जिनकी 4 जनरेशंस पैठनी साड़ी के हैंडलूम में ही है, वीविंग में ही है। सो वी आर वेरी प्राउड टू कॉल 63 इयर्स ओल्ड वीवर मिस्टर हालेरे। नमस्कार सर। शाक्स, ये आज हमें प्रॉपर हैंडलूम वीविंग आपको करके दिखाएंगे। पीयूष जी, आपके क्वेश्चन का आंसर है ये। मुझे लग रहा है आई हैव टू जस्ट इन्वेस्ट इन दिस टू मेक माय मॉम हैप्पी। आई थिंक सो। महाराष्ट्र में इसको देव वस्त्र बोलते हैं, भगवान की पूजा करने के वास्ते, शादी में जो दुल्हन रहते उसके वास्ते एकदम पवित्र माना जाता है। और ये पवित्र वस्त्र हमारे येवला भूमि में बनता है, ये हमको बहुत गर्व की बात है।
डेप्थ वाला वी वेब ये बनता है 5 से 7 दिन से लेके 6 महीने 1 साल तक भी। न्यू जनरेशन ऑफ वीवर जो है वो ये लेना नहीं चाहते ये वाला आर्ट फॉर्म। अगर सर्विस में जैसे 2 पैसा मिलता है वही ड्यूटी अगर यहाँ 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी की तो सर्विस जैसे उसमें भी अपने को बेनिफिट मिल सकता है और ये बिजनेस बढ़ सकता है अनेक अनेक गाँव में अनेक अनेक शहरों में। यही सोच के साथ हमने वेरी मच इंडियन शुरू किया। हम वीवर्स को मॉनिटरी बेसिस पे जिस हक का पैसा उनको मिलना चाहिए हम वही हक का पैसा उनको देते हैं। हमने शुरू किया था 25 वीवर्स के साथ और आज हमारे पास हमारी जो वीवर कम्युनिटी है वो 400 से भी ज़्यादा वीवर्स की है। न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर हैंडलूम एंड मतलब मुझे अभी लाइक शर्म आ रही है जब भी कभी नेगोशिएट किया है हैंडलूम साड़ी की कॉस्ट बिकॉज 100 आवर्स ऑफ वीविंग। सबसे लंबा कितना लगता है मतलब? हम एक साड़ी बना रहे हैं अभी एक क्लाइंट के लिए उसका कॉस्टिंग है 1.88 लाख। 1 लाख से बड़ी साड़ी माय गॉड। ये कितने टाइम में बनेगी? 2.5 महीने 2.5 months। ओ बाप रे बाप। Respect. Wow, that's just amazing. तो ये पावर लूम में नहीं बन सकते? ये वाला नहीं बन सकेगा सर। और अगर पावर लूम में बनेगा भी तो इसमें प्योर थ्रेड्स नहीं आते हैं, फिर आपको कुछ मिक्सिंग करनी पड़ती है उसके अंदर। सूरत की मार्केट जो है जिसमें सब मशीन मेड साड़ियां बनती हैं, उसमें डुप्लीकेट पाइथनीज बहुत बनती है। बनारस में बहुत डुप्लीकेट पाइथनीज बनती है बट ये ओरिजिनलिटी जो है जो लोग असली पहचान पाते होंगे उनको पता लग जाता होगा ना कि ये डुप्लीकेट है देखने में और ओरिजिनल है। मैं आपको उसका आइडेंटिफिकेशन बताती हूँ। बताओ। तो ये जो पल्लू है तो इसकी हैंडलूम से बनी हुई और इसके पीछे के साइड में आपको एक भी थ्रेड नहीं दिखेगा, नॉट इवन अ सिंगल थ्रेड। फ्रंट ऑफ द पल्लू और बैक ऑफ द पल्लू इज एग्जैक्टली सेम। वाओ, मैंने लाइफ में साड़ी बनते हुए नहीं देखा था, पहली बार देखा है और आज मुझे साड़ी के बारे में इतना पता लगा है। तो प्रिया के लिए आज जरूर खरीदना है। हाँ हाँ, आज तो कंपनी खरीद लेंगे। ये जो पैथनी साड़ीज हैं और जो कांजीवरम साड़ीज हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है इन दिस प्रोसेस? जैसे पैथनी कम्स विद लॉट ऑफ पीकॉक्स, आपको कांजीवरम में नहीं दिखेगा ये। अच्छा, तो पैटर्न्स अलग है? पैटर्न्स अलग अलग है। और सलोनी जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ वॉप और वेफ्ट में भी फर्क आता है ना, जिस तरह से आप धागे चढ़ाते हो और उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है अलग अलग हैंडलूम में, उसका भी फर्क होता है ना। आपको इसके बारे में भी पता है? आपको ए बोलो ना, आप पुरुष नहीं महापुरुष हो, मैं आपके साथ ट्रेनिंग लूंगा। आज ये लूम देखकर मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया क्योंकि मुझे याद आया मेरे पिताजी ने बहुत साल पहले, आज उनको भी 60 साल हो गए टेक्सटाइल बिजनेस में जैसे आपके फैमिली को, हैंडलूम से फैब्रिक बनाते थे भिवंडी में। मैं बहुत छोटा था, मुझे ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन अभी वो मोमेंट्स याद आए जहाँ उनकी उंगली पकड़ के मैं ये लूम्स देखता था। तो जब मैं वहाँ खड़ा था मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि एंटरप्रेन्योर बनना मैंने तभी ठाना। आज आपने वो मोमेंट मुझे याद दिलाया, तो इसलिए मुझे इस विषय में पता है। तो हम बड़े हुए कपड़े धागों के बीच में। मैं आपको बताती हूँ सर, आपकी कहानी से मैं अपनी कहानी बताती हूँ। जी हाँ जी। मेरे दादाजी ने जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तो वो काम की तलाश में दे वेंट टू येवला समहाउ, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। एंड देन ही स्टार्टेड दिस, एक्चुअली आई एम लिटिल इमोशनल विद माय, आई एम वेरी कनेक्टेड। तो उन्होंने ये शुरू किया सर। आपने जो अपनी मार्केटिंग की जॉब छोड़ी, हाँ, तो आपको कैसे आया मोटिवेशन कि आपको अब वो लेगेसी को वापस लाना है? सर, मेरे को करना ही था। मैंने शुरू में बहुत एग्जीबिशन किए, जिसने मुझे बुलाया उसके घर जाके साड़ी बेची, बिकॉज मुझे करना था ये। लोग बोलते थे कि ये भाई क्या घर घर जाके साड़ी बेचती है। घर नहीं लिया आज तक, बिकॉज हमने सारा पैसा बिजनेस में डाल दिया। एवरी वुमेन
क्रेडिट टू अदर्स अपनी मेहनत का, मैं फर्स्ट क्रेडिट खुद को दूंगी, उसके बाद में मैं सबको क्रेडिट दूंगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। स्लोनी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है यू आर अ ट्रू एंटरप्रेन्योर। मुझे ये भी लग रहा है आपका संघर्ष देखकर कि इसका कहीं ना कहीं आपको फल जरूर मिलेगा। दोनों मैम्स के लिए, नमिता मैम, विनीता मैम के लिए सरप्राइज है। Can we have हमारे पास सारी ड्रेपर है, सिद्धि विल हेल्प यू विद ड्रेपिंग दिस। आई थैंक यू। ये ब्रोकेड जो है और ये झुमके इसके साथ ये परफेक्ट जाएगा। इनकी तो इन्वेस्टर मैं ही बनूंगी, ये डील तो मैं ही लेके जाऊंगी। ये पहली बार हुआ है शार्क टैंक में, ना नंबर्स बताए हैं ना बिजनेस बताया, पर डील है आपके पास। सोनी जी, मैंने वहाँ एक नथनी देखी है। वो भी इसको दोगे क्या? मेरी बीवी मारेगी मुझे, कुछ नहीं लाया मैं उसके लिए आज। रीता, वाओ, you guys are looking very pretty. Okay, now let us do a ramp walk, girl. बहुत अच्छी। We are so thrilled and we are so glad कि आप दोनों आज हमारी साड़ी पहन के ऐसे बैठे हो। मेरे को वो अगर आपको गिफ्ट देना है तो वो 180,000 वाली दे देना। सर आप चेक दे दो, मैं दे दूँ। So Sloni, आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। Let's get to the business now. Absolutely. क्या नंबर्स हैं अभी आपके? कैसी ग्रोथ चल रही है? फर्स्ट ईयर किया सेल अप्रोक्सीमेटली 16-17 लाख का। कौन सा साल था ये? ये 3 years back. अच्छा, तो 2018? हमारा दो साल तक 15-20 लाख के आसपास सेल रहा। उसके बाद में हर्ट कोविड टाइम्स के अंदर हमारा सेल बूस्ट हुआ 2020-21 में। हमने 65 लाख का और 1.5 crore का लास्ट ईयर 21-22 का टर्नओवर क्लोज किया है। इस साल का प्रोजेक्शन 2 crore. एवरेज टिकट साइज 10,000. क्या मार्जिन है? ग्रॉस मार्जिन सर 35%. लो नहीं है? बहुत लो है। इट्स अ वेरी लेबर इंटेंसिव बिजनेस, तो वहाँ पे पैसे लगते हैं, लेकिन ग्रॉस मार्जिन के बाद ज्यादा कुछ खर्चे नहीं है। मेरे को तो लगता है 10-15% तो बची है आराम से। सोनी जी, मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू ऑफर यू 50 lakh, लेकिन आई थिंक 3% इज नॉट अ गुड वैल्यूएशन, क्योंकि आपका सेल सिर्फ 2 crore है, राइट? सो आई वुड लाइक टू गिव यू 50 lakhs फॉर 10%, जो होगा 5 crore वैल्यूएशन, विच इज अबाउट 2.5 times आपका सेल। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द ऑफर। कांग्रेचुलेशंस, यू हैव वन ऑफर। मुझे ये समझना है आप इन्वेस्टमेंट क्यों चाहते हैं? हम यहाँ से 1.5 crore से 2.5 crore 3 crore तक स्केल अप कर सकते हैं। उससे ज्यादा स्केल अप करने के लिए हमको स्टॉक भी लेना पड़ेगा। अच्छा, आज के डेट में वेरी मच इंडियन के पास सेटअप पूरा है। आज ये 100 साड़ी बेचती है एक महीने की एवरेज, ये 1,000 साड़ी तो आराम से बेच सकती है, मतलब उसमें 1 crore तक सेल्स हो जाए। हाँ जी, महीने का। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपको बताती हूँ, इतनी महंगी साड़ी ऑनलाइन खरीदना एक नए ब्रांड से सबको मुश्किल होता है। right. तो ये थोड़ा सा भरोसा बिल्ड करना, हमें ट्रस्ट का चैलेंज, जैसे अगर आप लोगों के नाम हमारे साथ जुड़ गए yeah. तो Correct. हमारा ट्रस्ट ऑटोमेटिकली yeah, yeah. बिल्ड हो जाता है। और मेरा जुड़ गया तो और हो गया। मैं अभी इससे बाहर होना चाहूंगा। अगर ये ऑफर नहीं होती तो शायद you know, because आप इतने amazing entrepreneur हो, and I think everything is checking my list. But Namita has made a good offer. और woman entrepreneur. Thank you, thank you. इसलिए मैं बाहर हूँ। I think इसको बहुत बड़ा बनाने के लिए आपको somehow आपका ये जो passion and knowledge है and ये जो handloom का process है, इसका जो effort जाता है, ये सारा communication को content and social media में convert करना है, जो I think Namita इसके लिए बहुत अच्छी पार्टनर है। उनकी ऑफर भी काफी अच्छी है। सो मैं अभी इसमें आपके साथ पार्टनर नहीं कर पाऊंगी, बट आई रियली होप कि वेरी मच इंडियन बिकम्स इंडिया की फर्स्ट डिजिटल फर्स्ट सारी ब्रांड दैट ग्रोस ग्लोबल। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि आजकल के मिलेनियल्स और जेन जी को देखकर, मेरी नीसेस है तो वो इतनी गहराई में जाती नहीं, तो आपको ना कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको कैटेगरी की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और क्योंकि यू नो मेरी खुद की इतनी रुचि नहीं है इंडस्ट्री में, करेक्ट करेक्ट,
तो उस वजह से मैं इससे बाहर होना चाहूंगा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर नमिता मुझे अलाउ करें उनके साथ. अरे मुझे सोलो जाना था. ये ना, बट आई एम ऑल्सो वेरी मच इंडियन. पहले पता क्या मुझे पिच करो. मैं क्यों तुम्हें को-इन्वेस्टर में इनको पिच करते थे, अब हमें इन्हें पिच करना पड़ रहा है. चलो चलो कन्विंस मी. आपकी हेल्प करूंगा कि जेन जी को समझने में. मैं अमेज़न में ट्राई करूंगा, मैं फ्लिपकार्ट में ट्राई करूंगा, मैं ब्रांड में हेल्प करूंगा और मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा. चलो अभी ये हमको लेबल नहीं दिया गया है पिछले सीजन में करण अर्जुन, तो भाई को मना नहीं कर सकती हूँ मैं. डील पक्की. अरे उनसे तो पक्की करा लो. अरे एक ही तो ऑफर है. All right. Sharks, हम एक काउंटर ऑफर करना चाहते हैं. 75 लाख फॉर 10%, जो हमारा 7.5 करोड़ का इक्विटी होता है. दो शार्क्स हैं तो 50 लाख की जगह मतलब 25 लाख और उसमें ऐड कर सकते हैं अगर, तो और थोड़ा सा फंड्स के साथ बिजनेस स्केल अप करने में अच्छा रहेगा. बहुत 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 ज्यादा चैलेंजेस है, इसलिए कोई दूसरा ब्रांड नहीं बना है. तो आई थिंक हमने जो आपको वैल्यूएशन दिया है इट्स फेयर एंड आपने एक्सेप्ट करना चाहिए. What do you say? हाँ ठीक. हाँ ठीक है. All right guys. Congratulations. So happy to partner with you. Congratulations. Thank you. For Namita. For India.